नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल दमोह के गंगा जमुना स्कूल में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जल्द इस स्कूल के संचालकों के ठिकानों पर बुलडोजर चल सकता है। इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जांच की जा रही है। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक कर परतें खुलती जा रही हैं। जो फरार है उनकी जितनी भी फिरका परस्त ताकतें हैं, माफिया है, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई तो होती ही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रदेश दौरे को लेकर कहा कि वो चुनावी हिंदू हैं जिन्हें चुनाव के समय ही मंदिर गंगा और नर्मदा मैया की याद आती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस पाखंड को अच्छी तरह समझती है। अपने वचन पत्र में किसानों, महिलाओं और नौजवानों को धोखा देने वाली कांग्रेस को लाडली बहना योजना सौदेबाजी ही लगेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन से सिर्फ सौदेबाजी ही की थी। जी अच्छी बात है ये तो, लेकिन प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चल लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। बिल्कुल जांच की जा रही है। प्याज के छिलकों की तरह से परतें एक के बाद एक उभरती चली जा रही हैं और जांच सही दिशा में चल रही है। जो फरार हैं और इस तरह की जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं, माफिया हैं, इन पर तो बुलडोजर चलता ही है। सर, इसके अलावा सर कमलनाथ जी ने आरोप लगाए लाडली बहना की राशि को लेकर सौदेबाजी कर रहे हैं, सौदागर और सौदेबाजी की तरह कर रहे हैं। जिनने अपने वचन पत्र में ही धोखा दिया हो किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, जो वल्लभ भवन में बैठ के 15 महीने सौदेबाजी करते रहे हो, उनको तो ये सौदेबाजी लगेगी ही। कमलनाथ जी एक्चुअल में व्यापारी हैं। प्रेम, सेवा, समर्पण, स्नेह, ये वो समझते नहीं है। सौदागर, सौदेबाजी, धोखेबाजी, यही समझते हैं। वो अभी संघ को समझने में उन्हें और समय लगेगा। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिल्ला बांटने वाले हैं। उनका कहना है कि ये सारे कार्य, ये आईडी का भी काम करेगा, वल्लभ भवन के कार्यकर्ता सीधे जा सकेंगे, उनके सारे काम होंगे। वल्लभ भवन को 15 महीने कांग्रेस के कार्यकर्ता देख चुके हैं और एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसका बिना पैसे दिए काम हुआ उन 15 महीने में। इसलिए कमलनाथ जी के इन शगुफों में अब कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाला नहीं। अजीश कुरैशी ने एक कल बयान दिया है, जो मुस्लिम तिरंगे के नीचे एक्सरसाइज करके नमाज पढ़ेगा वो मुस्लिम को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणी की उन्होंने। अच्छा नहीं है इस तरह की अभद्र टिप्पणी, आप ही कह रहे हो, और करना भी नहीं चाहिए, फिर बाद में नाराजगी व्यक्त करेंगे। सर, कल पंडोकर सरकार ने भविष्यवाणी की है कि जीतू पटवारी पर डबल मार्जिन से जीतने वाले, उन्हीं के क्षेत्र में चल भी रही है उनकी कथा, वहां पर भविष्यवाणी। साधु संत लोग हैं, सभी का सम्मान है। सर, एक खुलासा हुआ है जिसमें दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेकर कई जो शिक्षक थे वो पदस्थ थे, हालांकि एफआईआर भी इसमें की जा रही है। अभी कोई एफआईआर मुरैना में इस तरह की न तो शिकायत आई है न एफआईआर हुई। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।